सही है। ठीक है, आनी शुरू हो गई रिकॉर्डिंग की। हाँ जी 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 बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, ये आज आपको हम शेयर कर रहे हैं लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बेसिकली स्लाइड्स। इसके ऊपर क्यों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, इसमें सुमेरा अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो यू कैन आस्क मी एज वेल, लेकिन मैं साथ के साथ प्रेजेंटेशन देता जाऊंगा आपको और ये लोगों को आप गाइड करें, एजुकेट करें जो लोग हमारी वर्कशॉप लेना चाहते हैं ताकि उनको पता चले। सबसे पहले जी ये PSX जो है, अब एक ही वर्कशॉप वो जो है वो स्टॉक मार्केट रह गई हुई है, पहले तीन हुआ करती थी पाकिस्तान में, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस, बट एक रह गई हुई है अब, ये ओनली PSX ही है जिसके अंदर बाइंग सेलिंग होती है, सो मेन मैकेनिज्म वही सेम है, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है जिसे हम डिस्कस करें। ये इंट्रोडक्शन है जी इसके अंदर, उसके बाद बेनिफिट्स हैं कि PSX में इन्वेस्ट क्यों करना है, लर्निंग आप कैसे कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम के जरिए, और कंक्लूजन है। ये जी थोड़ा सा आ गया कि हु इज़ जवाद हफीज, कि ये मेरे बारे में दिया हुआ है, मेरा 31 साल शुरू हो गया, 30 साल मुकम्मल हो गए हैं इस एक्सपीरियंस को, 600 से ज़्यादा वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, और आप सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं, और आप गूगल कर दें जवाद हफीज JAWADHAFWZ तो आपको मेरी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अच्छा जी आप आगे आ गए जी, बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के क्या फायदे हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के जनाब फायदे काउंटलेस बेनिफिट्स हैं एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए, जिसमें सबसे पहली बात तो ये कि आजकल 1 लाख से 2 लाख रुपए के दरमियान में कोई और बिजनेस आप रीजनेबल खड़ा नहीं कर सकते, बल्कि एक हार्डली आप एक मोबाइल टेलीफोन खरीद सकते हैं अच्छी क्वालिटी का, वो भी आप तकरीबन 3.5-3.5 लाख रुपए पे चला गया है, तो 1 से 2 लाख में एक पूरा बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि उसकी क्या इन एंड आउट है, एक्सपेरिमेंटेशन मुकम्मल कर सकते हैं, आपको लिबर्टी है घर से काम करने की, आप घर सिर्फ घर ही नहीं है बल्कि दुनिया में कहीं ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो वहां से भी काम करेंगे। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं सऊदी अरेबिया में था और मैंने 2 नमाजों के दरमियान जो जोर और असर के दरमियान जो गैप था रोड क्रॉस करते करते, वो काफ़ी सारी बाइंग सेलिंग एक्टिव मैंने टेलीफोन के ऊपर अपने ब्रोकर को, उस जमाने में ये ऑनलाइन वाला सिलसिला नहीं होता था, टेलीफोन के जरिए करते थे, तो मैंने बाइंग सेलिंग करके और जाके मैंने दूसरी नमाज पढ़ी, तो मेरे साथ कुछ दोस्त थे, उन्होंने कहा काम हो गया आपका इतनी देर में, तो मैंने कहा हो गया। इसी तरह सिंगापुर का एक एक्सपीरियंस है, वो भी हम सिमलिम स्क्वायर में थे तो हम रोड क्रॉस कर रहे थे, तो अच्छी खासे वॉल्यूम्स थे जो बाइंग सेलिंग जो है हमने उसके दौरान कर ली। सो अब तो इंटरनेट ने इस चीज़ को इतना आसान कर दिया है, आप दुनिया के किसी कोने में भी हो, किसी भी मुल्क में बैठे हुए हो, तो ये सिर्फ होम ही नहीं, इवन अवे फ्रॉम होम, होटल में हो, रेस्टोरेंट में हो, वहाँ से बैठकर आप बड़े इजीली अपना काम जो है उसको कर सकते हैं। आप सर इसमें डेज ऑफ ले सकते हैं, कोई कंपल्सिव नहीं है कि रोज ही आपने काम करना है, अपने घर से भी काम कर सकते हैं, डेज ऑफ ले सकते हैं, होटल से कर सकते हैं, ट्रैवलिंग में कर सकते हैं। अच्छा एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है कि जी जितनी देर मार्केट खुली रहती है उतनी देर आपने स्क्रीन को देखना कोई ज़रूरत नहीं है। मैं लोगों को कहता हूँ कि 20 मिनट से ज़्यादा कलेक्टिवली पूरे दिन में स्क्रीन देखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप 9:30-10 बजे मार्केट को देखें, उसके बाद 11 बजे देखें अपने रेट्स जो शेयर्स हैं उनको आप देख सकते हैं, सो बड़ा ही कम टाइम है, और हफ्ते में 1 घंटा अगर आप निकाल लें अपनी रिसर्च के लिए तो वो मोर देन इनफ है। सो आपका कोई रेगुलर कुछ 7-to-7 स्लेवरी वाला चीज़ नहीं है, यहाँ तो 9-to-5 लिखा हुआ है, लेकिन 9 बजे अगर आपने दफ्तर में पहुँचना है तो 7 बजे आपने अपने घर से निकलना है, और वापस आते आते आपको 7 बज जाते हैं, तो ये वो चीज़ नहीं है। आराम से आप कन्वीनियंस में अपने घर में अपने बेडरूम में, कई बार मैंने अपने बेडरूम में अपने बिस्तर से बैठ के बाइंग सेलिंग की है, नींद आ रही है, अपना काम कर लिया है, फिर सो गए हैं 2 घंटे बाद, कई बार इंसान लेट आवर्स में करता है, सो एनीबॉडी कैन डू। स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत बड़ी फोर्स है, माँ बाप के ऊपर लाइबिलिटी बने हुए हैं इस वक्त, और व्हाट्सएप और टिकटॉक के ऊपर अपना टाइम ख़राब करते हैं, सो स्टूडेंट एक बहुत ही उनको इसको समझना चाहिए फाइनेंशियल लिटरेसी को, इसको समझना कोई मुश्किल नहीं है, बड़ी ही सस्ती वर्कशॉप्स और 1-on-1 सेशन हम दे रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। अब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, पूरी दुनिया में
ये मैंने शेयर की हुई है आप लोगों के साथ ऑलरेडी, कि एक 12 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, क्लास फोर्थ के बच्चे अमेरिका में वो करवा रहे हैं, इसी तरह कैनेडा में कैंप्स लग रहे हैं कि वो स्टॉक मार्केट अवेयरनेस है, वो पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी तक लोगों को पता ही नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट को ये बात आनी चाहिए ताकि वो कुछ ना कुछ अर्न करना शुरू करें, अपने वालदेन का हाथ बढ़ाएं और प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में जाने। सो बहुत टाइम है, इतनी कोई किसी की स्टडीज डिस्टर्ब नहीं होती कि 3 दिन की 6 घंटे की वर्कशॉप अगर वो ले लेगा तो उसकी कोई स्टडी डिस्टर्ब हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स को मस्ट ये काम सीखना चाहिए। और देखिए, इसमें ब्यूटी ये है कि आप, कोई बड़ी रकम नहीं है आपकी लग रही है कि आप बहुत बड़ा पैसा इसके अंदर लगा रहे हैं, कि बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। आप लाख रुपए से आप इन आउट इस काम की देख लेते हैं, बाइंग सेलिंग देख लेते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी देख लेते हैं। खुदा ना खासा अगर सूट ना करें, वैसे तो क्यों ना करें, हम 71 साल से हम कर रहे हैं, हमें तो सूट कर रहा है, 67 से मेरी फैमिली कर रही है, तो हम लोग इस काम में खुशबाश हैं। और 1 अरब शेयर उस दिन, ये कुछ दिन पहले जो है एक रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन हुई है, तो 1 अरब शेयर अगर खरीदे बेचे हैं लोगों ने, तो जाहिर बात है इफ दे आर मेकिंग मनी दैट्स व्हाई दे आर बाइंग एंड सेलिंग। इसके बाद स्टूडेंट्स के बाद जनाब अगला सेगमेंट आ जाता है खवातीन का, औरतें। औरतें हमारे मुल्क में पढ़ी लिखी खवातीन बेशुमार हैं, वो अपनी घरों की जिम्मेदारी की वजह से घरों से बाहर नहीं निकलती, तो वो बड़े आराम से, बड़े सुकून से अपने घर की प्राइवेसी के अंदर जो है इस काम को कर सकती हैं, पैसा अर्न कर सकती हैं। अब वही 20 मिनट मेरा नहीं ख्याल किसी माँ के लिए या किसी बीवी के लिए निकालना कोई जो है वो मुश्किल है। और ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन जो है वो आपको 8वीं जमात अगर आपने पढ़ी हुई है, पीटर लिंच को मैंने बड़ी जगह कोट किया, इफ यू आर एज स्मार्ट एज यू कैन डू 5 ग्रेड मैथ यू कैन वर्क इन द स्टॉक मार्केट, तो आप बड़े आराम से, कोई आपको दफ्तर लेने की जरूरत नहीं है, कोई आप एक छोटा सा आप कुर्सी और मेज़ अगर ले लें तो जरा लिखने पढ़ने के लिए बेहतर, वरना इवन आप अपने बेड के ऊपर बैठ कर, कोई वर्क स्पेस रिक्वायर्ड नहीं है, एक टेलीफोन की ज़रूरत है और आप कहीं से भी काम कर सकते हैं। अच्छा जी, इस पर किसी किस्म के कोई टैक्सेस नहीं है, किसी भी किस्म के जो भी टैक्स कटता है 15% टैक्स इस पर एट सोर्स कटता है आमदन पे, यानी अगर आमदन कम, आमदन नहीं है तो कोई टैक्स नहीं है। अगर 100 रुपए की आमदन है तो 15 रुपए ऑटोमेटिकली कट जाते हैं, 85 रुपए आपके अकाउंट में आ जाते हैं और उसकी रसीद आपको मिलती है और वो फुल एंड फाइनल है, यानी आप टैक्स फाइलर बनना चाहते हैं तो वो फुल एंड फाइनल है, एक पेज में हिसाब हो जाता है। वो किसी बंदे को आप, किसी SEC के स्टूडेंट को आप 1000-2000 रुपये भी दें, वो आपकी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है। इतनी सिंपल है कि NCCPL से आपको रसीद मिल जानी है, नेशनल क्लियरिंग से, वो आपका ब्रोकर आपको ले देता है, वो रसीद ऑटोमेटिकली आप जाके देते हैं, उनको पता चल जाता है इतने पैसे आपने कमाए थे, इतने उन्होंने एट सोर्स काट लिए। इसी तरह इसका जो डिविडेंड है वो भी आपके अकाउंट में आता है, उस पर भी किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, वो भी आप जो है एट सोर्स अगर 100 रुपए डिविडेंड की बात में आए हैं तो 15 रुपए पहले ही डिडक्ट हो जानी है और उसकी भी रसीद मिल जानी है, वो भी आप ऑनलाइन उसका भी पूरे का पूरा प्रिंट आउट लेके, सो आपने 2 कागज जाके जमा करानी है, इसके अंदर आपकी टैक्स रिटर्न है। सो ये काम जो है बड़ा ही सिंपल है। उसके बाद आ जी, क्रेडिट का कोई इशू नहीं है, पाकिस्तान में बिजनेसेस को सबसे ज्यादा क्रेडिट मारता है, तो क्रेडिट का कोई इशू नहीं है, स्टोर की ज़रूरत नहीं है, ऑफिस की ज़रूरत नहीं है, यूटिलिटी बिल्स की ज़रूरत नहीं है, एक दिन के अंदर जो है वो कारोबार आपका खड़ा हो जाता है। सो इट्स वेरी नाइस, इजी एंड सिंपल, के कोई इसके अंदर डिफ़िकल्टी ऐसी नहीं है। अब प्रॉब्लम आ जाती है कि मार्केट में इसके बारे में र्यूमर्स क्यों हैं, यानी लोग जो है वो लॉसेस कर लेते हैं। लोग लॉसेस इसलिए करते हैं कि मैंने कई बार लोगों को समझाया कि ब्रोकर के पास वो चले जाते हैं, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, पहले तो ब्रोकर क्वालिफाइड बंदा ही नहीं है जो उन्हें डील करता है, उन्हें बंदा एक डील कर रहा होता है वहाँ के ऊपर, जैसे लॉट ऑपरेटर कहते हैं आप देसी जबान में उसे, कंप्यूटर ऑपरेटर समझ लें, वो कोशिश करते हैं उनको पेनी स्टॉक, सस्ते शेयर जो है वो उनको ले दें बगैर किसी वर्किंग के, लोग सुनी सुनाई बात पे वो शेयर आंखें बंद करके खरीद लेते हैं। यही वो चीज़ें हैं जो हम अपनी वर्कशॉप में क्लियर करते हैं कि ब्रोकर को आपने किस हद तक रखना है, आपने खुद क्या क्या चीज़ें देखनी है, क्या पैरामीटर्स आपने देखने हैं शेयर लेने से पहले, अगर वो उन पर पूरा नहीं उतरता तो उसे नहीं लेना। अगर आप ज़रा भी जिम्मेदारी से ये काम करेंगे, जो कि मैं फिर पीटर लिंच, एक मशहूर नाम है, आप उसे गूगल कर सकते हैं, वन अप ऑन द वॉल स्ट्रीट का ऑथर है, 13 साल तक फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट का फंड मैनेजर रहा है, वो कहता है कि अगर लोग इतना सिर्फ इम्पोर्टेंस दे दें जितनी फ्रिज खरीदने से पहले रिसर्च करते हैं स्टॉक से, तो यू विल नेवर लूज मनी इन स्टॉक मार्केट।
इसी तरह वो ये कहता है कि इफ यू आर एज स्मार्ट एज यू कैन डू 5th grade मैथ यू कैन वर्क इन स्टॉक मार्केट, ये 5वीं का मैथ आप कर सकते हैं। तो PSX की साइड में से बड़ी इंफॉर्मेशन हम आपको सिखाएंगे कि कैसे है, यही चीजें हैं जो वर्कशॉप में बताते हैं कि आपने किस तरह र्यूमर से बचना है और किस तरह अपने फैसले करने हैं। ये इसी चीज के लिए हम लोगों को कहते हैं कि वो वर्कशॉप में आए और या 1-on-1 सेशन में आए और ये सारी चीजें वो सीखें और समझें। अच्छा जी, ये इन्वेस्टमेंट जो यंगस्टर्स जो हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, बल्कि मैं तो स्कूल स्टूडेंट कहूँगा कि दुनिया में स्कूल के स्टूडेंट भी करने चुके हैं, कि उनको पैसे की एक वर्थ का अंदाजा हो जाता है, फाइनेंशियली लिटरेट हो जाती हैं। यंगस्टर्स जो हैं उनको मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि कल को जाके उन्होंने ही अपने घर का बेड़ा उठाना है, उन्होंने ही जिम्मेदारियाँ उठानी है, तो वाई नॉट टू ट्रेन दैम। मैंने बड़ी कोशिश की है और अल्लाह का शुक्र है वो फ्रूट्स भी ला रही है यंगस्टर्स को जो है एजुकेट करने में, मेरी वीडियोस में, मेरे सेशंस में, मेरी वर्कशॉप्स में। तकरीबन अल्लाह की मेहरबानी से 45 से ज़्यादा मुल्कों में मैं सेशंस कर चुका हूँ। अच्छा जी, अब ये एक सवाल आ जाता है कि स्टॉक मार्केट है किसके लिए। यहाँ पर आप ये देखेंगे, ये स्टॉक मार्केट हमारे हिसाब से अगर आपकी 25,000 रुपया महीना की तनख्वाह है, यानी आप एक ड्राइवर हैं या किसी कंपनी के चेयरमैन हैं, सीईओ हैं, 25 लाख रुपया महीने की आपकी तनख्वाह है, आप दोनों के लिए स्टॉक मार्केट है। दोनों बंदे एक 1 लाख से कर लेगा, दूसरा 25 लाख से कर लेगा, अपनी एक महीने की पे से, वो 4 महीने की पे से। हर बंदा जो है वो कमेटियाँ आजकल डाल लेते हैं लोग, औरतें कमेटियाँ डाल लेती हैं, पैसा इकट्ठा कर लेती हैं। 1 लाख रुपया कोई ऐसी रकम नहीं है जो इकट्ठी नहीं हो सकती। एक ड्राइवर भी पार्टिसिपेट कर सकता है और एक मेल ओनर भी कर सकता है, एक स्टूडेंट भी कर सकता है और एक टीचर भी कर सकता है, एक वर्किंग प्रोफेशनल जो है जो कि अच्छी सैलरी ले रहा है वो अपनी पेंशन फंड बनाना चाहता है तो वो भी स्टॉक मार्केट उसके लिए भी है, और एक स्टूडेंट जो ट्यूशनें पढ़ाकर अपने पैसे पार्ट टाइम को छोटा मोटा मोबाइल वगैरह बेच के अपनी को कमीशन जनरेट करता है, या IT का कोई फ्रीलांसर है वो फ्रीलांस के जरिए 25-30 हज़ार 40 हज़ार महीने का कमाता है, वो भी एक साइजेबल अमाउंट करके स्टॉक मार्केट के अंदर अपना पैसा जो है उसको लगा सकता है और बड़े आराम से उससे फ़ायदा ले सकता है। वो मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारी वर्कशॉप के अंदर आएँ या 1-on-1 सेशन में आएँ और हमसे इन्वेस्टमेंट करनी सीखें। इट्स वेरी इजी, ये इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन कोई भी चीज़ बग़ैर सीखे नहीं आती, सीखना ज़रूरी एक अमल है। अच्छा सर, ये इसके बाद आगे आ गया कि इन्वेस्टमेंट जो है ऑल्सो अलाउ यू टू अटेन द पैसिव इनकम फ्रॉम सेविंग्स, यानी अगर एक आदमी की सेविंग्स हैं, जैसे कोई आदमी अपनी सैलरी में से कुछ पैसा सेव करता है तो उसको वो स्टॉक मार्केट में लगाता है और डिविडेंड और कैपिटल गेन में उसको पैसा मिलता है तो उसकी सेविंग्स ग्रो कर रही है। ये कि मेरी अपनी ज़िंदगी की कहानी है, मैं 18 साल की उम्र में बिजनेस में आया और मेरा ये टारगेट था कि मेरी जो पैसिव इनकम है वो मेरी एक्टिव इनकम में कन्वर्ट हो जाए। यानी स्टॉक मार्केट में जब आप थोड़ा 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 पैसा डालते जाते हैं तो एक स्टेज आती है कि उतनी आपकी तनख्वाह नहीं होती या उतने आपकी एक्टिव इनकम से पैसा नहीं होता जितना आप पैसिव इनकम से कमा रहे होती हैं। ये कुछ कंपनियां हैं जिनको मैं बताऊंगा आपको अगर वर्कशॉप में आप आएंगे, कि जिनकी कोर ऑपरेशन से उन्हें उतना पैसा नहीं मिल रहा जितना स्टॉक मार्केट में जो उन्होंने रिजर्व पैसा लगाया हुआ है। कंपनीज भी इन्वेस्ट करती हैं स्टॉक मार्केट में, इंश्योरेंस कंपनियां भी करती हैं, बैंक्स भी करते हैं, कन्वेंशनल बिजनेसेस भी जो लिस्टेड कंपनियां वो करती हैं, कि वो सोर्स ऑफ जो पैसिव इनकम है उसमें ज़्यादा पैसा जो है उनका बन रहा है एक्टिव से, और जो पैसिव का सोर्स है वो उनका एक्टिव बन जाता है, यानी जिसे आप कहते हैं कि जो पार्ट टाइम बिजनेस है वो फुल टाइम हो गया है। तो ये एक इसके अंदर बड़ी प्रोविजन है, अगर स्टॉक मार्केट में आप चाहें और इसको समझ कर करते जाएँ तो ओवर द ईयर्स आप ग्रो करते जाएंगे, और मैं उसकी ज़िंदा मिसाल हूँ। और मैं ऐसे सैकड़ों लोगों को जानता हूँ जो बड़े कंफर्टेबली अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपनी बच्चे और फैमिलियों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और आराम से अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो है उनको देखते हैं, और दुनिया भर में है। और दुनिया का सबसे बड़ा जो इसके अंदर मशहूर आदमी है वॉरेन बफेट है, उसको आप कर सकते हैं। और ये एक मिथ है कि पाकिस्तान की मार्केट में नहीं है, पाकिस्तान की मार्केट में बहुत सी है। मुझे याद है कि मैं 1989 में जब ब्रोकरेज हाउस में गया तो वहाँ पर एक अरशद साहब थे, UK में रहते थे, उस ज़माने में उनकी 8 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, आज के ज़माने में आप कम अज़ कम उसे 70-80 करोड़ समझ लें। मैं अभी ज़ाती तौर पे लोगों को जानता हूँ जिनका 1-2 अरब रुपया स्टॉक मार्केट के अंदर लगा हुआ है और वो आराम से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बड़े कम्फर्टेबली अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और वो सिर्फ अपने पोर्टफोलियोज जो हैं उनको देखते हैं और संभालते हैं और बड़े आराम से अपनी ज़िंदगी जो है वो अपनी मर्ज़ी से जो उनका दिल करता है करते हैं। उनके पास फ्रीडम है, अल्लाह का शुक्र है ये फ्रीडम मेरे पास भी है, मैं भी अपनी ज़िंदगी जो है वो अपनी मर्ज़ी से गुजारता हूँ।
अच्छा जी, यहाँ में हमने ये किया कि ये जो प्रेजेंटेशन है ये कह रही है कि जैसे अभी पेंडेमिक हुआ, कई बार दुनिया में बहुत बड़ी एडजस्टमेंट्स होती हैं, नौकरियां चली जाती हैं, बंदे अपनी जॉब खो देते हैं, तो जिन लोगों ने जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है उसके मुताबिक ही अपना अखराजात रखे होते हैं, सेविंग्स नहीं होती, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, वो मुसीबत में आ जाती हैं और उनकी हालत गैर हो जाती है, उनको या तो उनके घरों में फाकों तक नौबत आ जाती है। अभी रिसेंटली बड़ा अच्छा एक ARY पर ड्रामा है, लोग क्या कहेंगे, वो मैं अपने बच्चों को भी मैंने दिखाया, उसमें भी एक ऐसे ही बंदे की कहानी है कि जो बड़ा अच्छी सैलरी, यानी वो उसके पास लैंड क्रूजर होती है, बड़ा शानदार घर होता है, लेकिन वो क्या होता है कि सब कुछ सैलरी भी होता है और सब कुछ लोन भी होता है कि यार मेरी तो ऐसे ही चलता जाएगा और मैं अदा कर दूंगा, और बच्चे महंगे स्कूलों में पढ़ रहे होते हैं और अचानक उसकी जॉब चली जाती है, वो गालबन उन्होंने COVID-19 का ही टाइम दिखाया हुआ है, और फिर वो खुदकुशी कर लेता है, इतना प्रेशर उस पर बिल्ड होता है। तो ये ऐसा आपने बड़े फिल्म स्टार्स के साथ होते देखा होगा, माइकल जैक्सन एक बहुत बड़ी मिसाल है कि जब वो मरा था तो वो भी डेट में था, उसने लोगों के पैसे देने थे। जब आप अपने पैसे को संभालते नहीं हैं और कहीं री इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो आपका पैसा आहिस्ता आहिस्ता खर्च होता जाता है, और जब मुश्किल वक्त आता है तो वो आप मुसीबत में आ जाते हैं। सो हैव अ सोर्स ऑफ पैसिव इनकम, एंड स्टॉक मार्केट इज एन एक्सीलेंट वे इफ यू आर इंटरेस्टेड। आप बड़े थोड़े से पैसे से इसकी एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं, हमारी वर्कशॉप में आप आएँ, हम आपको ब्रीफ करेंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे, आपको शुरू से बताएंगे कि ब्रोकर का इंतखाब आपने कैसे करना है, ब्रोकर पे कितना रिलाय करना है, अपना पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करना है, किन कंपनियों के शेयर लेने हैं, कब खरीदने हैं, कब बेचने हैं, ओवर प्राइस स्टॉक क्या होता है, इस पर बहुत सी हमारी वीडियोज ऑलरेडी पड़ी हुई। अच्छा जी, हाउ टू यूज़ आवर प्रोग्राम टू लर्न इन्वेस्टमेंट। देखिए जी, 600 के करीब मेरी वीडियोज़ जो हैं एंटरप्रेन्योरशिप और स्टॉक मार्केट के बारे में पड़ी हुई हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिनमें से 250+ लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की प्ले लिस्ट है। आप उस प्ले लिस्ट में जाएंगे, वीडियो नंबर 1 से आपको नजर आनी शुरू हो जाए। आप उन वीडियोज़ को देखें, आप उनको देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा बेसिक्स का, उसके बाद या तो आप ऑनलाइन सेशन, वन ऑन वन सेशन, ये वन ऑन वन सेशन ऐसे ही होता है जैसे इस वक्त मैं और मेरा सेशन कर रहे हैं, इसी तरह हम स्क्रीन भी दिखाते हैं, इसी तरह हम रिपोर्ट स्टडी करनी सिखाते हैं, जो मुख्तलिफ सवालात होती हैं पोर्टफोलियो को इकट्ठे मिलकर देखते हैं वन ऑन वन सेशन में, और वर्कशॉप जो होती है उसमें हमारे 25-30-50 लोग, मुख्तलिफ नंबर ऑफ पीपल होते हैं, उनको उसके अंदर हम कलेक्टिव एक क्लासरूम होता है, सबको सवाल पूछने की इजाज़त होती है, पहले प्रेजेंटेशन दी जाती है, फिर आपसे क्वेश्चन आंसर किया जाता है। वर्कशॉप पर भी काफ़ी सारी वीडियोस हैं जो एक्सप्लेन करती हैं कि वर्कशॉप कैसे चल रही है। अच्छा जी, ये दो चीज़ें स्टेप करने के बाद यहाँ वन ऑन वन सेशन करेंगे, अगर आप वर्कशॉप का टाइम नहीं निकाल सकते, और अगर वर्कशॉप का टाइम क्लासरूम में सीखना चाहते हैं तो वर्कशॉप ले लें, उसके बाद आप सीधा इन्वेस्टिंग शुरू कर देंगे और अल्लाह की मदद और मेहरबानी से इंशाल्लाह पैसा बनाना शुरू कर देंगे। अच्छा जी, पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर रह रहे हैं उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त बोनस है, इनके लिए चीज़ आ गई है विद दी हेल्प ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ओवरसीज, पाकिस्तानी NICOP इसे कहते हैं, उसकी मदद से आप अपना ब्रोकरेज अकाउंट भी खोल सकते हैं और आप अपना जो जिसे आप कहते हैं बैंक अकाउंट भी खोल सकते हैं। सो आपको पाकिस्तान आने की कतन कोई ज़रूरत नहीं है, आप बड़े आराम से कंफर्टेबली ये काम कर सकते हैं और इसका आप फायदा ले सकते हैं, और इसी तरह हमारी वर्कशॉप भी आप अटेंड कर सकते हैं। बहुत से ओवरसीज पाकिस्तानी, मैंने जैसे बताया 45 मुल्कों से ज़्यादा लोग जो हैं वो मेरे साथ ये काम कर चुके हैं और मेरे साथ ये चीज़ ले चुके हैं वन ऑन वन सेशन और उसमें एजुकेट हो चुके हैं। इसके बाद जनाब ये एक कहानी है एक माउस की, अ माउस वाज पुट इन अ जार फिल्ड विद ग्रेन्स, यानी एक चूहा जो है वो घुस गया एक ऐसे जार में जिसके ऊपर बाद में मालिक ने कैप लगा दी, तो वो बड़ा खुश था चूहा, उसको कोई काम नहीं करना पड़ता था, मज़े से उसको वो जो है वो खाता गया, उसके अंदर से खाता गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खाना ख़त्म होता गया क्योंकि उसमें काफ़ी खाना था, और अब क्या हुआ कि खाना बिल्कुल ही ख़त्म होने के बाद आ गया, वो बिल्कुल नीचे चला गया वो चूहा जो है उसके खारे में, और वो अब परेशान हो गया कि अब मैं आगे कैसे खाऊंगा, ऊपर से तो ये जार लॉकड है, अगर ऊपर से कोई नहीं डालेगा। कुछ ऐसा ही जो माउस ट्रैप है वो नौकरी करने वाले या सिंगल सोर्स ऑफ अर्निंग रखने वाले बंदे के साथ होता है, सिंगल इनकम सिंगल आइडेंटिटी वाला जो बंदा है उसके साथ ये हो जाता है कि वो जार के अंदर एक तरह से बंद हो जाता है और वो उसको वही कुछ खाना पड़ता है जो उसको दिया जाता है। यानी कि जब सैलरी आपने पेंडेमिक में देखा
कि जो चॉइस है वो नहीं रहती है, वो कहते हैं 50% सैलरी पे आप काम करोगे तो आपको 50% पे करना पड़ता है, वो आपको कहते हैं कि आप 25% सैलरी पे काम करो तो आपको 25% के ऊपर काम करना पड़ता है। सो जितनी भी सैलरी आपको मिलती है आपको उसी के ऊपर काम करना पड़ता है, आप मजबूर हो जाते हैं उसी सैलरी के ऊपर काम करने के लिए। तो ये एक माउस ट्रैप के साथ इस चीज़ को कंपेयर किया गया है कि ये इस तरीके से हो जाता है। अच्छा, ये चार लेसन्स हैं जो माउस ट्रैप से हमें मिलती हैं। एक पहला है शॉर्ट टर्म प्लेयर कैन लीड टू लॉन्ग टर्म ट्रैप्स, यानी अक्सर लोग कहते हैं यार आराम से नौकरी चल रही है, कुछ भी और करने की क्या ज़रूरत है, तो ठीक है ऐसे चलते रहते हैं। बाद में जब मसला आता है, जब COVID-19 आता है या अल्लाह ना करे कोई और इस तरह की इमरजेंसी आती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई हेल्थ इशू हो सकते हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम में आ जाता है। If things are coming easy and you are getting comfortable, you are getting trapped into a survival mode. यानी आप trap हो रहे हैं एक survival mode के अंदर और ये बड़ा risky है। When you are not using your potential, you are losing it. जैसे muscles के बारे में कहते हैं, हाथ पाँव के बारे में कहते हैं, exercise ना करें, use it or lose it. इसी तरह इंसान जब नई चीज़ें नहीं सीखता, नई multiple source of income नहीं बनाता, तो बाद में वो मौका ही नहीं रहता उसके पास। If you don't take action at the right time, you will finish what you initially had and will be in no position to come out of it. यानी कि अगर आप जब इस चीज़ को नहीं करते हैं कि आपके पास अभी पैसे हैं, सेविंग आप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन फिर एक स्टेज आ जाती है कि आप सेविंग करने की पोजिशन में ही नहीं रहते। सो डू समथिंग नाउ, स्टार्ट टेकिंग एक्शन एंड गेट आउट ऑफ योर सिंगल इनकम सिंगल आइडेंटिटी, CC जिसे कहते हैं। मतलब एक टीचर है, उसकी आइडेंटिटी है कि बस वो टीचर है, वाई नॉट ही कैन बी अ स्टॉक इन्वेस्टर, ही कैन अपनी जो सेविंग्स है उसको इन्वेस्ट कर सकता है। और वही फार्मूला जो मैंने दिया है कि आपकी जो पैसिव इनकम है वो एक स्टेज पे आपकी एक्टिव इनकम को बाईपास कर जाती है, उससे आगे निकल जाती है और आपको कोई रिटायरमेंट का फियर नहीं रहता, आपको नौकरी छूटने का फियर नहीं रहता, आप कहते हैं मेरा गुजारा तो बड़े आराम से हो जाता है। तो अगर आप सीसी से निकलना चाहते हैं, सिंगल इनकम सिंगल आइडेंटिटी से मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं, आप जो भी हैं, एक ड्राइवर हैं या चेयरमैन हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, आप हमारे एजुकेशनल प्रोग्राम को फॉलो करें, आप हमारी वर्कशॉप लें, आप वन ऑन वन सेशन बुक करें और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना सीखें। ये एक बड़ा ही बेहतरीन बिजनेस है, इसने बदली है मेरी ज़िंदगी और ये आपकी ज़िंदगी को भी ज़रूर बदलेगा पॉजिटिवली। इसके बाद ये हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, 786GH हमारा फेसबुक का पेज है, गूगल आप कर लें जवाद हफीज तो आपको मेरा यूट्यूब चैनल भी मिल जाएगा, लिंक्डइन सारे सोशल मीडिया के एड्रेस मिल जाएंगे। ये दो व्हाट्सएप लाइनें हैं हमारी, 0300-9466-240 और 0336-424-246। इस पे आप WhatsApp टेक्स्ट या WhatsApp वॉइस मैसेजेस कर सकते हैं और मुझसे रब्ता कर सकते हैं, स्क्रीन पे नज़र आ रही है। इसके बाद ये एक ब्रोशर है जो बताता है कि मैं स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट हूँ, बिजनेसमैन हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ, सक्सेस कोच हूँ और मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, और वही मेरे जो लिंक्स हैं वो सारे दिए हुए हैं। तो जनाब यहाँ पर हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो मुकम्मल होती है, इससे आगे आप लोगों ने वर्कशॉप के अंदर आना है या वन ऑन वन सेशन के अंदर आना है और उसमें आकर आप जो है वो अपनी ज़िंदगी जो है उसको बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। ये यहाँ तक मेरी जो प्रेजेंटेशन थी वो मुकम्मल हो गई है और एक बहुत ही आसान तरीका है। बाकी हमारी बेशुमार वीडियोस पड़ी हुई हैं जो वन ऑन वन सेशन को भी एक्सप्लेन करती हैं और जो हमारी वर्कशॉप को भी एक्सप्लेन करती हैं, और इसमें सुमेरा निसार जो हैं ये अपना नंबर कई जगह शेयर कर चुकी हैं, और यहाँ भी अगर ये ऑनलाइन है तो मैं चाहूँगा कि एक बार अपना नंबर शेयर कर दें सो दैट वर्कशॉप के लिए आप इनके साथ रब्ता कर सकते हैं, वर्कशॉप बुक करें, वर्कशॉप में आएं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी सीखें और अपना मुस्तकबिल सुवारें। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।